देखिए, इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ आपसे कि जब भी हमारे देश में किसी राज्य में आपके विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर आपके लोकसभा चुनाव होते हैं, तो आप देखते होंगे कि नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना तय रहता है एक तरह से इस समय पर। और आप देखिए, कई नेता ऐसे होते हैं कि जो जिन्हें टिकट ना मिलने की वजह से, या फिर आप देखिए वो हवा का रूप भांप लेते हैं, राजनीतिक मौसम भी कह देते हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक भी कह देते हैं, कि वो क्या करते हैं कि जिस पार्टी की अच्छी लहर चल रही हो उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। 2017 में आप सभी ने देखा होगा कि मोदी लहर अच्छी चल रही थी और उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि विधानसभा चुनाव होने थे तो कई बड़े नेता बीजेपी को ज्वाइन कर लिए थे। और इसी क्रम में आप देखिए कि आजकल सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भीड़ में, उनकी जहां भी रैली होती है उसमें अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है, अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कई लोग उनसे गठबंधन भी कर रहे हैं और कई लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उनके द्वारा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये अब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और इससे पहले ये बीएसपी में रहे हैं, जो मायावती की है ना बहुजन समाजवादी पार्टी, उसका हिस्सा रहे हैं, उसमें भी आप देखिए मंत्री रहे हैं और एक तरह से पिछड़ों का एक बड़ा नेता माना जाता है और बीजेपी का भी एक बड़ा चेहरा माना जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ है, परिवार को भी देख लेंगे, इनकी शिक्षा को देख लेंगे, इनका राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से रहा है, राजनीतिक सफर जिस तरह से रहा है, उस पर भी हम लोग एक नजर डाल देंगे। सबसे पहले आप लोग उत्तर प्रदेश पर चलिए। देखिए, आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आपके चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि जो दिल्ली की सत्ता है ना, इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आप लोग देखेंगे तो विधानसभा में आपको 403 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधान परिषद भी है उसमें 100 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ क्या है, राजधानी है। अब आप लोग देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, इन्हीं की बात की जा रही है। और आप देखिए कि बीजेपी में काफी हलबली भी मची हुई है। इनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य और आपको बता दूं 2 जनवरी 1954 में इनका जन्म हुआ था। प्रतापगढ़, आप लोग एक जिला सुनते हैं ना उत्तर प्रदेश का, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की बात करें तो बदलू मौर्य इनके पिता का नाम, और जीवन साथी यानी कि अगर हम लोग इनकी पत्नी की बात करें तो शिव मौर्य इनकी पत्नी का नाम। इनके दो बच्चे हैं, दो संतान हैं, एक तो संगीता मौर्य, आप सभी जानते हैं कि बदायूं से लोकसभा सदस्य भी हैं यानी कि सांसद भी हैं, और दूसरे हैं उत्कृष्ट मौर्य, इनके दो बच्चे हैं। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून में स्नातक किया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि वकील भी हैं, ठीक है, और वकील हैं तो काफी पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी आप कह सकते हैं। अगर हम इनके राजनीतिक दल की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से भी उसके बाद जुड़े और अब समाजवादी पार्टी से जुड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि आप देखिए अखिलेश यादव ने जिस तरह से फोटो इनकी शेयर की हुई है ट्विटर पर, तब से काफी ऐसा माना जाने लगा है। अगर हम इनके व्यवसाय की बात करें तो वकील हैं, किसान भी रहे हैं और राजनेता हैं, अब आप देख रहे हैं राजनीतिक पारी भी खेल रहे हैं। अगर इनके राजनीतिक सफर की हम लोग शुरुआत की बात करें तो 1996 में सितंबर अक्टूबर में 13वीं विधानसभा के सदस्य पहली बार निर्वाचित हुए थे, यानी कि कहने का मतलब है कि 1996 में ये पहली बार विधायक बनते हैं। फिर आप देखें कि 1997 में वो मंत्री बनते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग, जिसमें मायावती के समय की बात हो रही है, मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं उसी समय की बात हो रही है। फिर आप देखेंगे 1997 में सितंबर में भाजपा में मंत्रिमंडल बनते हैं, क्योंकि भाजपा के साथ गठबंधन करके मायावती मुख्यमंत्री बनी हुई थी। फिर आप देखेंगे सितंबर 1997 में मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग कल्याण सिंह के समय बनते हैं। फिर आप देखेंगे 1997 में अक्टूबर में जो भाजपा मंत्रिमंडल गठित होता है उसमें भी शामिल किए जाते हैं। 1997-98 में सदस्य कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य भी बनते हैं। फिर आप देखेंगे सन 2001 में बहुजन समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के नेता बनते हैं। एक कब की बात है, सन 2001 की, 2001 में ही आप देखेंगे सितंबर में नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बनते हैं, 2001 में अक्टूबर तक बने रहते हैं। फिर आप देखेंगे सन 2002 में
ये फरवरी में 14वीं विधानसभा के सदस्य बनते हैं दूसरी बार। फिर आप देखेंगे सन 2002 में मंत्री से मंत्री खादी एवं ग्राम उद्योग मायावती के मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। 2002 में मई से नेता सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद 2003 में बनते हैं। 2003 में ही अगस्त में ये नेता बनते हैं विरोधी दल उत्तर प्रदेश विधानसभा 2003 सितंबर तक बनते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे 2007 में मंत्री राजस्व एवं सहकारिता मंत्री बनते हैं मायावती जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो मायावती मंत्रिमंडल में। आप देखेंगे 2009 में वह 15वीं विधानसभा के सदस्य उपचुनाव में तीसरी बार और पडरौना विधानसभा से पहली बार चुनाव जीतते हैं और फिर से विधायक बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 2009 में नवंबर से मंत्री पंचायती राज विभाग के 2012 तक रहते हैं और आप सभी जानते हैं कि 2012 तक मायावती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही थी और माया मंत्रिमंडल में 2009 में मंत्री रहते हैं। और ऐसा भी माना जाता है, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती का बाया हाथ या दाया हाथ माना जाता था, यानी कि कहने का मतलब है कि अच्छा खासा आदमी माना जाता था उनका, कह नहीं देते हैं कि वो उनके आदमी है, यानी कि उनके अच्छे मतलब आप सोचिए निर्णय लेने वाले लोगों में शामिल हैं। फिर आप देखेंगे 2012 में 16वीं विधानसभा के सदस्य चौथी बार निर्वाचित होते हैं और 2012 में वो नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बनते हैं और फिर आप देखेंगे 2016 में वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। 2017 में 17वीं विधानसभा के सदस्य के चुनाव होते हैं और वो 5वीं बार चुनाव लड़कर विधायक बनते हैं और 19 मार्च 2017 को मंत्री श्रम एवं सेवायोजन नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन के मंत्री बनते हैं। और आप सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उनकी मंत्रिमंडल में स्वामी प्रसाद मौर्य को स्थान दिया जाता है। इनके बारे में कुछ और जानकारी है, इसे भी देख लीजिए। संयोजक युवा लोक दल इलाहाबाद 1980 में, और इससे पहले आपको बता दूं कि ये लोक दल से भी जुड़े रहे हैं, बीएसपी के पहले लोक दल से भी जुड़े रहे हैं। अब आप जानते हैं कि जयंत चौधरी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सदस्य कार्य समिति और युवा लोक दल उत्तर प्रदेश 1981 में जुड़ते हैं, प्रदेश महामंत्री भी रहते हैं युवा लोक दल के और 1982 से 85 तक सदस्य और प्रदेश कार्यकर समिति लोक दल के 1982 से 85 तक रहते हैं, प्रदेश महामंत्री भी रहते हैं 1986 से 1989 तक, मुख्य सचिव भी रहते हैं लोक दल के 1989 से लेकर 1991 तक, प्रदेश महासचिव जनता दल के रहते हैं 1991 से लेकर 1995 तक, प्रदेश महामंत्री उपाध्यक्ष रहते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 1996 में जुड़ते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के एक तरह से दलित पिछड़ों के सम्मान हेतु अनेक बार धरना प्रदर्शन भी इन्होंने किया, आंदोलन के माध्यम से लगभग 25 बार इनकी गिरफ्तारियां भी हुई और आपको बता दूं कई बार ये जेल में भी रहे हैं और आप देखते हैं कि इसीलिए इन्हें बड़ा नेता माना जाता है और ऐसा ये खुद भी कहते हैं कि देखिए जिसकी तरफ ये जाते हैं उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। आप लोग पहले जाइए मायावती के समय, तो मायावती के साथ जब तक ये रहे तो मायावती की सरकार रही। फिर आपने देखा है कि एक तरह से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो बीजेपी की सरकार भी रही है। अब इनके ही के द्वारा किया जा रहा है कि अखिलेश के साथ जुड़ेंगे, तो अब देखते चुनाव में क्या होता है विधानसभा चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हम आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग तब तक बने रहिए, देखते रहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अभी देखिए कितने घटनाक्रम आप लोगों को आश्चर्यजनक लगेंगे, कितने नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होंगे, ये सब हम लोग देखते रहेंगे। हम कहाँ जाने वाले हैं, आप लोगों से के साथ ही जुड़े रहें। चलिए आप लोग बताइए किसी और नेता के बारे में बात करनी हो, उसकी जन्म कुंडली देखनी हो कि आखिर उसका किस तरह का सफर रहा है, और मुझे लगता है कि अपने नेताओं के बारे में आप लोगों को मालूम जरूर होना चाहिए, ठीक है।